हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अपना चुल्हा चौकी। आज मैं बनाऊंगी गोल गोल मोतियों ऐसा बूंदी, एकदम मार्केट स्टाइल में। सरस्वती पूजा आने वाला है और माँ सरस्वती को बूंदी का भोग तो लगता ही लगता है, तो क्यों ना घर में ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से मार्केट स्टाइल बूंदी बनाया जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें। परफेक्ट मेजरमेंट से कोई भी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से हमें पानी भी लेना है। मैं यहाँ पे कोई फूड कलर इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे येलो कलर देने के लिए यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैं हल्दी पाउडर दे रही हूँ, जिससे परफेक्ट येलो कलर आएगा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए हमें एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम इसे गिराएंगे तो एक फ्लो में गिरना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा इसका बैटर नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो एक कप पानी से दो स्पून के बराबर पानी हमारा बच चुका है। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो बूंदी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम 2 स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इससे ये बूंदी बहुत ही सॉफ्ट बनता है और चाशनी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब होता है। तो इसे मिक्स करके हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम जल्दी से चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमें एक बर्तन गैस पे गर्म करने के लिए रख देना है। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हमें यहाँ पे 1 कप चीनी लेना है और उसी कप से 1.5 कप के बराबर हमें इसमें पानी डालना है। चाशनी इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा बनाना है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए चिपचिपा चाशनी तैयार कर लेना। इसका कोई तार हमें नहीं बनाना है, एकदम स्टिकी चाशनी हमें इसका तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम चाशनी को चेक कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हाथ में बहुत ही अच्छे से चिपक रहा है। इतना ही हमें चाशनी को रेडी करना है, एक तार का बिल्कुल नहीं बनाना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पे केसर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही मैं इसमें 2 इलायची क्रश करके डालूंगी। आप इसके जगह पे अपना मनपसंद कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, जैसे केवड़ा एसेंस, रोज वाटर। तो यहाँ पर हमारा चाशनी बिल्कुल बन के रेडी है। इसे हम साइड कर देते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारी बूंदी को फ्राई कर लेना है। तो अब हमें एक इस टाइप का कोई भी झारा लेना है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे और एकदम सेंटर में हम बैटर को, बूंदी वाले बैटर को डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, हमें हिलाना बिल्कुल नहीं है, बस सीधे पकड़ के रखना है। अपने आप ये गोल गोल मोती ऐसा बूंदी नीचे गिर रहा है, आप देख सकते हैं। हमें हिलाना नहीं है झारा को, इससे इसका शेप बिगड़ सकता है। जितना आए थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, नहीं तो वो आपस में फिर चिपक जाएगा, तो फिर इसका शेप बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है। एकदम मीडियम फ्लेम से फ्लेम पे हमें इसे इस तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता करें हमारा बूंदी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो एक इसमें से बूंदी हाथ में लेंगे और हाथ से इसे प्रेस करेंगे। जैसे वो अच्छे से प्रेस हो जाएगा, इट मीन्स कि हमारा बूंदी अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो चुका है और इससे आवाज़ ही बहुत ही अच्छे से आने लगेगी, खनखनाहट की, ये आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये बूंदी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा शेप आया, एकदम गोल गोल मोती ऐसा मार्केट ऐसा लग रहा है।
तो इसी तरीके से हम सारी बूंदी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारी बूंदी को फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी बूंदी एकदम गोल गोल शेप में बनेंगे, एकदम मार्केट स्टाइल टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरा सारा बूंदी अच्छे से फ्राई हो चुका है। मेरा चाशनी यहाँ पे ठंडा, क्योंकि जब तक मैंने बूंदी को फ्राई किया हमारा चाशनी ठंडा हो गया था। तो अब हम चाशनी को थोड़ा गर्म कर लेंगे और गर्मा गर्म चाशनी में हम बूंदी को इस तरीके से डालेंगे। सारी बूंदी को हम गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम आधा घंटे तक इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि बूंदी के अंदर चाशनी बहुत ही अच्छे से अब्जर्व हो जाए। तो इसे मिक्स कर लेना है और इसे ढक के हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे आधे घंटे हो चुके हैं, हम एक बार बूंदी को चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं चाशनी के अंदर बूंदी कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये देखिए। तो है ना बहुत ही इजी रेसिपी, कितना इजी और कितना टेस्टी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे ये बूंदी बना के खा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप भी बनाएं। ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मैं